अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बो स्टाइल ट्राउज़र स्टिच करने का तरीका बताऊंगी, इसके ज़रिए आप बच्चियों के ट्राउज़र को न्यू लुक दे सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ट्राउज़र ऊपर से पूरा कम्प्लीट है, इसके पाइचे पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ नीचे मैंने सिलाई नहीं की है और डिज़ाइनिंग के लिए स्लिट खुला छोड़ दिया है। कंप्लीट ट्राउज़र की कटिंग का लिंक मैंने ऊपर शेयर कर दिया है। इस स्लिट की लंबाई 6.5 इंच है। ये डिज़ाइन आप आस्तीन और गले पर भी बना सकती हैं। अब हम एक फ्यूजिंग बुकरम लेंगे। इसकी लंबाई 8.5 इंच है और चौड़ाई 3.5 इंच। इसको इस तरह हाफ फोल्ड कर लें और फोल्डिंग वाली साइड से 1 इंच पर मार्क कर लें। लंबाई पर भी मैंने 1 इंच पर मार्क लगाया है। नीचे तक इस तरह मार्क कर लें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी एक पाइचे की फ्यूजिंग तैयार है। दूसरे पाइचे की फ्यूजिंग भी इसी तरह तैयार कर लें। अब मैंने ट्राउज़र को बैक साइड से बिछाया है। फ्यूजिंग को सेंटर से मार्क कर लें। अब हम फ्यूजिंग को आयरन से इस तरह पेस्ट कर लेंगे। अब मैंने डायगोनली इसको इस तरह कट कर लिया है। और किनारों को बैक साइड पर फोल्ड करके मैं प्रेस कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक और फ्यूजिंग बुकरम का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 3.5 इंच और लंबाई 8.5 इंच है, पहले वाले बुकरम की तरह। ट्राउज़र के कपड़े पर हम इसे उल्टी तरफ से पेस्ट कर लेंगे इस तरह। पेस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। यह मैंने ब्लैक कपड़े की एक लंबी सी स्ट्रिप ली है। आप अपने ट्राउज़र के हिसाब से कोई भी कंट्रास्टिंग फैब्रिक ले सकती हैं। इसकी लंबाई 15 इंच है। जबकि चौड़ाई 4 इंच है। हाफ फोल्ड करके इस किनारे पर सिलाई कर लें। इसे मैं बंद कर लूंगी यहां से।
अब इसको सीधा कर लें। सिलाई वाले पार्ट को सेंटर में रख कर इसको प्रेस करें। अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। पहला मार्क 1.5 इंच पर लगाएं, बाकी मार्क मैंने 4 इंच पर लगाए हैं। आपको जितनी बोज बनानी है इस हिसाब से आप लंबी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ 15 इंच की स्ट्रिप मैंने 3 बोज बनाने के लिए इस्तेमाल की है, 1 पाइंचे के लिए। अब जहाँ मैंने मार्क किया है वहाँ नॉट बना लूँगी इस तरह। अब हम उसको इस तरह सेंटर से कट कर लेंगे। ये हमारी बोज तैयार हो गई हैं। अब मैं इन बोज को फ्यूजिंग वाले फैब्रिक पर अटैच कर लूंगी इस तरह। दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएं और इन्हें अटैच कर लें। अब मैंने जो ये डिजाइन तैयार किया है उसको मैं पाइंचे पर स्टिच करूंगी। इसके लिए आप पाइंचे को इस तरह बिछाएं और इसके नीचे हम इसको अटैच करेंगे। सेंटर पर कट लगा लें। ट्राउजर और डिजाइन के सेंटर को मैच करते हुए किनारे पर सफाई से सिलाई लगाएं। दूसरी तरफ से भी मैं इसे सिलाई से अटैच कर रही हूँ। अब हम अनइवन फैब्रिक को कट करके सीधा कर लेंगे।
अब मैं ट्राउज़र को नीचे से इस तरह से मोड़ूंगी और सिलाई लगा लूंगी। इसके बाद मैंने ट्राउज़र को सिलाई लगा के बंद कर लिया है। ये हमारा ट्राउज़र रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।